Hello? Anybody home? कोई है? देखा तुमने? नथिंग, कुछ नहीं। मैंने देखा है दर्द, मजबूरियां, अकेलापन और तुम। यू रियली आर एन ओरेकल। ओरेकल कह लो, भविष्य वक्ता कह लो, दिव्य वक्ता कह लो, चाहे तो जादूगरनी कह लो, माया, सत्य, मिथ्या, जो चाहे कह लो। कौन हकीकत में क्या है यह पहचान पाना बहुत मुश्किल है। नहीं? कहो। आपसे डिस्कस हुआ था फोन पे इंटरव्यू के लिए? नैना? या नैना विश्वास, apnanews.com। व्हाट द फक, व्हाट वाज दैट? सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट क्या था ये? मैजिक? तो ये काम कैसे करता है? क्या? भविष्य देखना, फ्यूचर प्रेडिक्शंस। कभी तुम्हारे साथ ये हुआ है कि कुछ हो रहा है और तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुमने ये पहले देखा है? यू मीन देजा वू? जी हाँ। हाँ शायद, बट आई मीन वो तो सभी लोगों के साथ होता है कभी कभी, राइट? यही देजा वू, अगर तुम कंट्रोल कर सको तो। तो आपके कहने का मतलब है कि आपको सच में विजन्स आते हैं? कई बार, मतलब हर बार नहीं आते। तुम्हें चम्मच पकड़ना आता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बार आएगा। तो जब आपको विजन्स नहीं आते, then how do you predict? तुम्हारी समस्या क्या है? सॉरी? कुछ तो समस्या होगी। दोस्त, परिवार, नौकरी, पैसा, प्यार? प्यार? मेरा मतलब है, मैंने उसे किसी और के साथ देखा था
और उसने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की। ऐसे लोगों को हम पता है ना क्या कहते हैं? Right, asshole. Whatever that is. नैना, तुम कुछ ढूंढ रही हो? पता नहीं। I really don't know. पर फिर ऐसा लगता है कि हर कोई किसी ना किसी चीज को तो ढूंढ ही रहा है ना। I often think about it. अगर कोई चीज पूरी तरह से चाहो, you know, like you really want it, और अगर आपको वो मिल भी जाए या ना भी मिले, तो अंत में क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? एक और नई तलाश तुम भी शुरू कर सकती हो। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या करना चाहिए? मूव ऑन, और क्या? काम पे ध्यान दो, भरोसा रखो, यूनिवर्स विल कंस्पायर एंड द सेम ओल्ड शिट। एग्जैक्टली, ये बात तुम अपने आप से कह लो, साइकेट्रिस्ट से सुन लो, या मैं क्रिस्टल में देख के तुम्हें बताऊं। अगर जिंदगी में उम्मीद है तो स्वाद है। तो इसका मतलब है कि आप झूठ भी बोलती हैं? कभी कभार। मुझे सिर्फ सच बोलने के पैसे नहीं मिलते, मुझे जिंदगी सुधारने के पैसे मिलते हैं। तो तब क्या होता है जब आपको सच में विजन्स आते हैं? तब भी मुझे झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं उनका भूतकाल, भविष्य, वर्तमान सब देख सकती हूं। उनके आंसू, उनका डर, उनकी खुशियां। कुछ पल के लिए तो वो और मैं एक हो जाते हैं। तब ये कहना कि लड़ते रहो आसान नहीं होता। आपने कहा कि आप दोनों एक हो जाते हैं, आप उनका भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ देख पाती है, तो क्या वो लोग भी आपकी लाइफ को देख पाते हैं? ये बोझ मेरा है, उनका नहीं। तो चाय पसंद आई तुम्हें? बहुत अच्छी है। कोई स्पेशल रेसिपी? जी हाँ, ये मेरी खास विधि है। खरगोश की हड्डियों को उबालो और उसको अजवाइन के पानी में सुखाकर धूप में रख दो। टडा, चाय तैयार। इसको ताइवान टी कहते हैं। इससे आत्माएं आकर्षित होती हैं। यू कैन टॉक टू देम। रिलैक्स, मजाक कर रही हूँ। खरगोश की हड्डी ही है। राइट। बिस्किट्स? ये भी आपकी खास विधि से बने? नहीं, ये ब्रिटानिया के हैं। वैसे आपका घर काफी बड़ा और आलिशान है। थैंक यू। इतने बड़े घर में आप अकेले? जी हाँ, 7 साल की थी जब माँ बाप से अलग कर दी गई। मेरी मौसी ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। मौसी? वो अब नहीं रही। उनके पास भी ये शक्ति थी। वो कहती थी कि हमारे लहू में है, भविष्य बताना। फैमिली में और कोई, आपके पति या कोई? प्रेडिक्शन बताने की कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। इसका मतलब है कभी कोई बॉयफ्रेंड? यू मीन यू नेवर रियली हैड? व्हाट आई मेंट वाज, आपको ये नहीं लगता कि अगर आपका कोई अपना होता, अपनी कोई फैमिली, तो शायद बेहतर होता? शायद। आ,
Are you all right? Please come. कुछ रेगुलर क्वेश्चंस हैं आपकी लाइफ के बारे में. एक मिनट. इससे काम हो जाएगा? हाँ, बस कुछ फोटोज आई नीड टू क्लिक. वन सेकंड. I guess. ऐसे काम हो जाएगा. थैंक यू. यू वेलकम. वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अच्छा. नो, इट्स ऑल राइट. टेक केयर एंड थैंक यू अगेन. बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. नैना, एक प्रेडिक्शन करूं? असली या नकली, देखते हैं. Ha ha ha.